इस मॉड्यूल में हम वर्टिब्रेट्स का एंडोक्राइन सिस्टम उसका ओवरव्यू देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में इस वर्टिब्रेट्स का एंडोक्राइन सिस्टम डिटेल में हम समझेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में जो एंडोक्राइन सिस्टम सबसे बेहतरीन देखा गया है, तो वर्टिब्रेट्स हैव द बेस्ट अंडरस्टूड, उसकी हमने समझा भी है, उसको अंडरस्टैंड भी किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर है। बाकी इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हमने उसको देखा है, लेकिन हम कहते हैं अगर कंपैरिजन करें तो वर्टिब्रेट्स में हमने ज्यादा हॉर्मोन्स को समझा है। एज द अर्लीस्ट जैसे जैसे एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, तो ये हॉर्मोन बेहतर से बेहतरीन होते गए, और इसकी तहकीक भी बहुत ज्यादा हुई कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आगे फिर हार्मोन प्रोडक्शन करती है, और कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो कि डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन्स जो कि जैसे एड्रिनल ग्लैंड है उस पर रिएक्ट करते हैं और उसे फिर स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस द अदर हार्मोन्स। नाउ सेट्स ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन नाउ डायरेक्ट सम एंडोक्राइन टिश्यूज सच एज द मेडुलरी एरियाज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। फिर उसके बाद जैसे जिक्र किया द हाइपोथैलेमस विच इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफिसिस विच इन टर्न दैट कंट्रोल अदर हॉर्मोन्स। नाउ स्टिल अदर फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द नर्व्स और द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की विच द सेट टू बी मास्टर ग्लैंड, इसका हम बहुत डिटेल में जिक्र करेंगे अगले मॉड्यूल्स में जाकर। Now this is the brain, this is the human brain. तो हम कहेंगे कि इट्स सेक्शन शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम तो ज्यादातर इसमें जो हाइपोथैलेमस वो देखना है और पिट्यूटरी ग्लैंड देखनी। तो देखिए इसे हम अगली मॉड्यूल्स के अंदर इस हिस्से को मैग्निफाई भी करेंगे टू शो कि हाउ दिस हाइपोथैलेमस इज इनफैक्ट कनेक्टेड विद द पिट्यूटरी, हाउ डज इट स्टिमुलेट। तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। Vertebrates in totality that possess two types of glands, which are said to be the exocrine glands and the endocrine glands. Exocrine glands, jaisa ki naam se zahir ho raha hai, ki ye wo glands hain jo apni secretions produce karte hain ya chemicals produce karte hain ducts ke andar jaati hain, aur jo ke phir empty hoti hain into the body cavities or onto other surfaces, jaise mammary glands hain, salivary glands hain, sweat glands hain. तो ये अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती, बल्कि वो डक्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे या दूसरे ऑर्गन के अंदर एम्प्टी होती हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड्स ही हैं, तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं दे डीप इनसाइड द डर्मिस, और वो जब स्टिमुलेट होती हैं तो डक्ट के जरिए जो स्वेट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इट इज देन इट अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। Then the endocrine glands, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इसकी secretions जो कि ज्यादातर hormones हैं, they are also called ductless glands. They are also called as ductless glands. इसकी dark glands नहीं होती, duct नहीं होती, तो इसकी secretions जो हैं या cells जो हैं, they produce hormones and they are directly poured into the bloodstream. तो इसे हम endocrine glands का जिक्र नाम देते हैं। तो दीज हॉर्मोन्स देन डिफ्यूज इन टू द ब्लड ब्लड स्ट्रीम विच कैरीज दैम थ्रू आउट द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। तो ये दो मेन टाइप्स हैं ग्लैंड्स की, एक्सोक्राइन एंड देन द एंडोक्राइन। ये डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वो सेल्स हैं जो कि एक्चुअली हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर रहे हैं, तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं दे आर एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स, और ये सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड ऑब्वियसली द एंडोक्राइन सेल्स। जबकि ये ग्लैंड है, इट्स अ स्वेट ग्लैंड, और इसकी बकायदा डक्ट है जो कि ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्किन,
और यहां से डक्ट ऊपर आ रही है बिल्कुल सरफेस के ऊपर, और जब ये स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो स्वेट इट कम्स आउट और ये सरफेस के ऊपर जाके फिर ये वेपोरेशन होती है और स्किन फिर ठंडी महसूस होती है. तो ये दिस इज इन फैक्ट द ओवरव्यू ऑफ द वर्टिब्रेट, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. अब हम इसके बाद वी विल डिस्कस इन डिटेल ईच एंड एवरी एंडोक्राइन ग्लैंड. सो इस मॉड्यूल के अंदर ये हमने ओवरव्यू देखा वर्टिब्रेट्स एंडोक्राइन सिस्टम का. सो दिस इज ऑल अबाउट.